आज हम सीखेंगे कि कैसे आप ब्लॉगर के लेआउट में से फिक्स्ड वाले विजेट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं फीचर पोस्ट, इसको जब आप एडिट करते हैं तो यहाँ पे कोई रिमूव का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ये पसंद नहीं है और आपको इसको हटाना है तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप इसे डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन इसके कोड आपके HTML में रहेंगे। तो इसे कैसे पूरी तरह से हटा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि उसके लिए आपको यहाँ पे थीम में क्लिक करना है। थीम में जाने के बाद यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से आपको एडिट HTML पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड पे यहाँ पे जंप टू विजेट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है और आपको जो भी विजेट हटाना है उस विजेट का नाम यहाँ पे देखना है। तो मुझे फीचर पोस्ट हटाना था तो मैं यहाँ से फीचर पोस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको फीचर पोस्ट के विजेट का जितना कोड है वो आपको डायरेक्टली उस पार्ट में लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाला उसका कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो याद रखिएगा जहाँ से कोड स्टार्ट होगा वहीं से आपको जहाँ पे वो क्लोज हुआ है वहाँ तक के सारे कोड को रिमूव करना है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ है बी विजेट से, लेकिन हम वहाँ से डिलीट नहीं करेंगे, बी विजेट सेटिंग से हम डिलीट कर लेते हैं। हालांकि उसे भी हमें इसको भी डिलीट करना है, लेकिन इसका कोडिंग क्लोज होने के लिए बहुत नीचे तक में इसका कोडिंग किया हुआ है, क्लोजिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले जो सामने सामने क्लोज किया हुआ है उसको हम डिलीट कर लेते हैं। वे वी विजेट सेटिंग्स को वी विजेट क्लोज सेटिंग तक मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। बस हमें याद रखना है कि वी विजेट अभी क्लोज वाले हमने डिलीट नहीं किया है, ओपन वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब खुद सेव करने की कोशिश कीजिए, वो खुद बता देगा कि किस लाइन में इसका क्लोज वाला सेक्शन है और आप उसे रिमूव करें। तो यहाँ पे दिखा रहा है 3587 नंबर लाइन पे क्या है कि उसके क्लोज का कोड है। तो यहाँ पे आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो वो जो गलत है वो रेड कलर का दिखाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है 3587 पे इसका क्लोजिंग सेक्शन है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और सिंपली अब कोई भी इरोर है नहीं इसमें, तो फिर से मैं सेव कर देता हूँ। और जैसे ही अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद आपको एक बार इसे रिफ्रेश करना है और इस आइकन को वापस क्लिक करके चेक करना है कि यहाँ पे जो फीचर पोस्ट था उसका ऑप्शन यानी कि उसका विजेट गायब हुआ कि नहीं, उसका ऑप्शन आ तो नहीं रहा। अगर आ रहा है यानी कि आपने कोड में कुछ गलतियाँ की हैं रिमूव करने में। तो नहीं आ रहा है मेरा यानी कि मैंने सक्सेसफुली रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको लेआउट में जाके दिखाता हूँ कि वो ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ही मेरा फीचर पोस्ट था तो उसको मैंने रिमूव कर दिया है और उसकी जगह पे आप कोई भी विजेट अब लगा सकते हैं। ठीक है।